तो देख सकते हैं ये आ गई है। चलिए अब चेंगना घोरते हैं। ओ चिंगना सॉरी क्या सॉरी घोरना है, सॉरी, चेंगना से तो घोरना झगड़ा घोरते करना हैं, है कि सॉरी गलती हो गया। मतलब झगड़ा नहीं घोरना और चेंगना में कोई फर्क नहीं, मतलब चेंगना गुजर गया मुँह से तो चेंगना चेंगना कर रहे हैं। चलिए तो घोरना घोरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती बारी वाला ब्लॉग में। और दोस्तों देख सकते हैं आज ब्लॉग का स्टार्ट घर से हो रहा है। चलिए तो सबसे पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं इस बच्चे को मेरा चाची का बेटा, देख सकते हैं साथ भी नहीं बचा है और यहाँ पर गर्मा गर्म हाँ दे रहा है। ये होती है लाइफ। करो हाय ऐसे। चलिए इसको खाने देते हैं आराम से। चलिए दोस्तों सीधे मिलते हैं ग्राउंड में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ गए हैं और इसे ये मेरा चाची का बेटा है जो मतलब सुबह खाना खा रहा था, उसका ये बड़ा भाई है। तो आज हम लोग दोनों आए हैं। और दोस्तों बड़े मतलब बड़े लड़कों से अच्छा इन छोटे बच्चे ही होते हैं, मतलब कि आजकल देखने को मिलता है, मतलब जो वही बोल रहे हैं, मतलब आजकल बड़े लड़के अगर बड़े लड़के चलाते हैं तो उल्टा सीधा भी बोलते हैं, और मतलब आते भी है तो मतलब सिर्फ दूसरे तीसरे बातें करते रहते हैं, गंदे गंदे बातें करते रहते हैं इधर उधर, मतलब खाली उसके बारे में बोल रहे, इसके बारे में वो लड़की ये लड़की फलना ढकना चित्रा। मतलब इन लोग दोस्तों बच्चे जानते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो इन लोग के साथ रहना अच्छा है, उन लोग के साथ नहीं, इसलिए मतलब इसी को ले आए हैं। चलिए दोस्तों करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, इसको कैमरा पकड़ाएंगे अब, तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। आज भी हम एक जोड़ने वाले हैं एक्सरसाइज, तो आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली एक्सरसाइज वगैरह सब हो चुका है, और जैसे कहते हैं मतलब हम हाथ नीचे करके और पैर ऊपर करके चल रहे थे। दोस्तों इससे क्या होता है, मतलब इससे हमारा जो सर्कुलर जो होता है वो तेज़ हो जाता है, और मतलब ये जरूरी है, मतलब जब मतलब ये ब्लड सर्कुलर जब तेज़ होता है तो हमारा धड़कन भी तेज़ हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड मतलब तेज़ी से चलने लगता है और हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँच जाते हैं, जो कि पूरे मेरा हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इसने आज मेरा पूरा हेल्प किया, पूरा मस्त, तो थैंक यू भाई। चलिए दोस्तों तो दोस्तों अब चलते हैं घर। इसका भी मतलब इसको भी स्कूल जाना है। कितना क्लास पढ़ता है तुम? टू क्लास में पढ़ता है ये। इनको भी अभी स्कूल जाना है। घर में था सूतल तो उठा के अब लेते आए हम, बोले चलो तो आ गया बेचारा ठंडा में, तो चलते हैं दोस्तों सीधे घर। तो देख सकते हैं सिस्टर अभी स्कूल से आ गई और देख सकते हैं हवा दे रही है पूरा। और आज हम स्कूल नहीं गए थे, तो चलिए अब चलते हैं सीधे, मतलब ये खाना खाएगी उस पर चलेंगे दोनों खेत। चलिए वीडियो में बने रहे। तो देख सकते हैं स्कूल से आधा घंटा हो गया आइए, और तभी सिखा रही और अभी सिखाते पूरा, हम इतना लेट से खाते हैं पूरा तेने खुको खाती है एकदम पूरा मुर्गी जैसे। तो दोस्तों खाने देते हैं उसको आराम से, उसके बाद दोनों एक ही साथ जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली खाना पीना, और देख सकते हो किस तरह पी रही है पानी एकदम पूरा मुँह से घटा घटा अभी खाई और खा रही है सीधे। और ये मेरी सिस्टर सुषमा कुमारी। दोस्तों इसे पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद लगभग आधा एक घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर एक फायर होती है जो पानी पीने के बाद फूट जाती है, तो उससे हमारा खाना सही से नहीं पचता, इसलिए हम लोग को मतलब कि खाना खाने के आधा घंटा पानी पीना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग मतलब बाहर में पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं बाल सरियाते सरियाते आ रही है, और दोस्तों मस्त हवा चल रहा है, खुला खुला एकदम पूरा हवा, बस ठंडा लग रहा है। और तो यहाँ पर सिर्फ हम हैं और मेरे सिस्टर और दादाजी हैं, वो भी उधर है धान मतलब कि जो खखरी बच जाता है वो उड़ा रहे हैं। चलिए अभी दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्कूल से आए हैं और इधर खेत तरफ आए हैं, यहाँ पे मेरे दादाजी खखरी उड़ा रहे थे, तो ये हो गया है उड़ाया हुआ, और
अभी फिलहाल क्या बोलते हैं रस्सी बना रहे हैं, जो क्या बोरा का जो धागा रहता है उससे पानी खींचने वाला। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह बना रहे हैं मेरे दादाजी। अभी छाया में बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं मेरे दादाजी रस्सी। अभी हमारा बारी है, जहाँ पे हम लोग मटर तोड़ रहे थे वहीं पे आए हैं। आज भी इधर छोटा छोटा और भी है मटर, जो बढ़ा नहीं है, देख सकते हैं। आपको हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं, मेरे पापा बनाए हैं अपने लिए, जो यहाँ पे सामान है तो यहाँ पे आते हैं और क्या बोलते हैं कभी कभी रात को यहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, मतलब रास्ता जाने का तो छोटा है लेकिन अंदर में बड़ा सा है, गुफा टाइप में, बहुत ही मस्त दिखता है। और ये गर्मी के दिनों में और भी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भैया अंदर से, देखिए इधर सोए हुए हैं मेरे भैया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पता भी नहीं चलता है, इतना छोटा यहाँ पर रास्ता है। लेकिन अंदर जाने के बाद दोस्तों दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लेदरा उदरा चादर उधर सब लाया गया, यहाँ पर कभी कभी पापा जी सो जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमें कुंभा में आराम से बैठल, और दोस्तों यहाँ पर पूरा मस्त लग रहा है, रिलैक्स। दोस्तों ये गर्मी के दिन में काफ़ी अच्छा है, मतलब इधर आएंगे तो और खांसी पकड़ लिया तो बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है कल से। दोस्तों यहाँ पर पूरा मस्त लग रहा है, ठंडा। चलिए पीछे कैमरा थोड़ा दिखाते हैं और कुछ, देख सकते हैं कुंभा के मतलब कुंभा है और बीच में थोड़ा गैप गैप है, खाली खाली। काफ़ी मस्त हवा यहाँ पर पार हो जाती है, तो एकदम पूरा हेवी हवा लगता है, ठंडा ठंडा। और यहाँ पूरा हेवी लग रहा है दोस्तों, लगता है यहीं पर सो जाएगा, और नींद भी काफ़ी मस्त यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कुंभा से निकल गए अभी, और वहाँ पर काफ़ी मस्त लग रहा था, और बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है। कैसा कुंभा हम लोग? तो इनका कहना है कि इधर मतलब कि हरा भरा पूरा रहता है, तो इधर रहने में अच्छा लगता है, मतलब हवा भी मस्त चलती है, तो खेत खलियान हरा है, तो हम लोग का मतलब इधर रहने में भी थोड़ा लगता है हरा भरा खुला है एकदम मस्त। और दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे नदी साइड वाला बारी तरफ, उधर अभी कुछ काम है तो जाना है अभी हम लोग उधर। चलिए दोस्तों, मतलब 1 किलोमीटर दूर है वो पहले बता दिया, तो चलिए सीधे वहीं जाके मिलते हैं। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पर बारी में, देख सकते हैं कल का लहर बारी है जिसमें हम लहर खा रहे थे, और इसके सिस्टर लहर तोड़ रही है। ये मेरी भाभी का क्या बोलते हैं बेटा लगता है, तो बोली का लेते जाओ उधर घुमा खिलाइए, रो रहा है बहुत, इसीलिए इसको लहर खिला रहे हैं तोड़ के। तो शांत हो गया अभी, देख सकते हैं कैसा खा रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना ध्यान रहा है कि यहाँ पे, देख सकते हैं इसको। इसका नाम नहीं पता है हमको, लेकिन जानते हैं इसको, पहचानते हैं बस। और दोस्तों ये मतलब मोबाइल मेरा पास है तो हमको ऐसा देख रहा है जैसे कि मतलब कहाँ देख लिया हो, एकदम पूरा हमको ही ताक रहा है एकदम दोस्तों बच्चे तो बच्चे होते हैं, देखेंगे ना, मतलब इन लोगों को लग रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है कि हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, इसलिए रो रहा था, कहीं पहचानता नहीं ना, कभी इसको नहीं लिए, आज भी है तो इसलिए रो रहा था। दोस्तों अभी जो काम कर रहा है वो करते हैं, अभी बच्चा को उधर बैठा देंगे, चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खाली दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का मटर का जो बारी है, यहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं बकरी उकरी घुस जाती है यहाँ पे, तो हम लोग आ गए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बेर क्या बोलते हैं इसको, कोयर, इधर थोड़ा एक दो फरा हुआ है यहाँ पे हम लोग का बारी का जो ये उसमें है, और यहाँ पे जाना नहीं है लेकिन हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं इसका, इसी का चलते हम लोग आए हैं, जो खाली दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचे कि उधर है काट के मतलब रखा हुआ है, उसी को हम लोग को यहाँ पे देना है, वहाँ पे भरना है हम लोग को। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बाबू को रखने के लिए दिए हैं, तो रुला रहा है और अपने खुद खा रहे हैं ही, देखिए कैसा बच्चा रो रहा है, बैठा दिए, बोले इसको गोदी में रखना तो रखे नहीं है, बोल रहे हैं कि रख देंगे, देख सकते हैं इसको रो रहा है कितना बच्चा, देखिए कितना रो रहा है, देखिए देखिए बच्चा कितना रो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गोदी में लीजिए पहले इसको, लीजिए इतना रुला रहे हैं, खिला दीजिए इसको, देखिए शांत कर रहे हैं, देखिए दबा के ऐसे ही करना चाहिए, बच्चा को प्यार से शांत करना चाहिए, देखिए इस प्रकार रुला रहा है, बच्चा रो रहा है, आप लीजिए हम रखेंगे, लीजिए।
तो अभी सिस्टर चल गई है उस बच्चा को पहुंचाने के लिए उनके घर वालों के पास। हम तो मटर तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, जैसे क्या मटर खा रही है। पिछले दोस्तों वो आती है, उसके बाद हम लोग काम चालू करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आ गई है। चलिए अब चेंगना घोरते हैं। सॉरी चेंगना दोस्तों घोरना घोरते हैं, सॉरी गलती हो गया। मतलब घोरना और चेंगना कोई फर्क नहीं, मतलब चेंगना गुजर गया मुँह से तो चेंगना चेंगना कर रहे हैं। चलिए दोस्तों घोरना घोरते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भैया क्या बोलते हैं घोर रहे हैं। जो भी बोल दिए थे वो गलती था बोल दिए थे, तो फिर बाद में बोल दिए जो घोरना घोर रहे हैं। सो देख सकते हैं वहाँ पे जो गिरा हुआ है वो सब खड़ा कर रहे हैं और अंत और रखा है, मतलब दूसरे जगह वो भी लाएंगे अभी। और यहाँ पे सर पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को घोरना है अभी। माँ बोल दिए कि जाओ तुम लोग करके आएगी, हम अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे रहेंगे और हम वहाँ का काम मेरी मम्मी से कर रही है और हम लोग दोनों घर गए यहाँ गए। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली घोर दिए। अब इधर मतलब बकरी उकरी उतना नहीं पार ना सकी कि मटर बारी में। दोस्तों देख सकते हैं यहीं पर मटर बारी और यहाँ पर मतलब खुला खुला सा था, तो यहाँ पर यहीं पर झूरी था तो इसको बस खड़ा कर दिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ का काम सब खत्म हो गया है और हम अभी जा रहे हैं। अब यहाँ से जाके वहाँ जाएंगे मम्मी लोग पास और वहाँ से फिर सीधे घर जाएंगे अपना घर। तो देखिए लार खाते खाते जा रहे हैं मेरे भैया, देख सकते हैं हाँ मेरी बड़ी मम्मी का ये बारी है लाहर का। हम लोग लाहर नहीं रोके हैं, बड़ी मम्मी का है तो खाते खाते जा रहे हैं आए हैं। तो ठीक है चलिए जाके मिलते हैं वहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर आ गए हैं ऊपर वाला मतलब पहले वाला बारी में, जो कि यहाँ पर आलू था। तो यहाँ पर अभी मम्मी पापा भी नहीं आए हुए हैं घर में, और देख सकते हैं आज इतना सारा कुछ काम किए हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, बाय बाय।